बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ अल बसरा। गाइस ऑटो कैड में हम आज एक हौजरी डिस्कस करेंगे, इसका प्लान एंड एलिवेशन डिस्कस करेंगे। साइज इसका 79 फिट बाई 73 फिट। ये आज इसकी पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लान एंड एलिवेशन, और इससे अगली वीडियो में हम इसकी सबमिशन रहेंगे। तो ये आज का हमारा पार्ट वन होगा। तो ये चलते हैं, सबसे पहले इसको ड्रा करेंगे लेआउट। ये देखें 79 फिट इस तरफ को, और इस तरफ को जो है 73 फिट। तो ये हम आउटलाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद जहाँ से हमने शुरू किया गेट, गेट के साथ हमने ये हेक्सागोनल बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सागोनल बनाया। तो यहाँ से आप एंटर हुए इस तरफ, ये दरवाज़ा रखा, ये विंडो रखी इस तरफ। गार्ड रूम है, ये 6 फुट 3 इंच इसका सेंटर से डिस्टेंस है, इधर को भी और इधर को चारों तरफ को 6 फुट 3 इंच, ठीक है। यानी कि 6 फुट 3 इंच इस तरफ को, 6 फुट 3 इंच इस तरफ को, और जहाँ से इसका एक साइड जो है, ये दरवाज़ा रखा हमने छोटा D3, और यहाँ में टोटल जो है डिस्टेंस 4 फिट है, और ये एक साइड जो है इसके 4 फुट 3 इंच शेड के साथ है, ठीक है। नीचे जो है देखें, ये नीचे जो है 4 फुट की, और शेड के साथ जो 4 फुट 3 इंच है। इसके ऊपर शेड है थोड़ा थोड़ा, 3 3 इंच हमने एक्स्ट्रा किया, तो ये खूबसूरती के लिए इसको डिज़ाइन किया। इसी तरह इस तरफ आ जाए तो वो भी गार्ड रूम बनाया, दोनों तरफ एक जैसी सिमेट्री बनाने के लिए, खूबसूरती के लिए हमने ये कमरे बना दिए। फिर आ जाएगा यहाँ से हमने ओपन एरिया छोड़ा, इस तरफ हमने पैसेज छोड़ा, ये ऑफिस बनाए। ऑफिस में हम यहाँ से एंटर हुए, ये रिसेप्शन आ गई, जहाँ से हमने लॉबी को ये डायगोनल बना दिया 4x4 के, यानी 4x4। इस तरफ को आ गए, ये ऑफिस आ गए 14 फुट, और इस तरफ को 10 फुट 3 इंच, ठीक है। ये सामने विंडो आ गई, इस तरफ ये भी ऑफिस आ गया, ये दरमियान में पार्टीशन आ गई। ऑफिस ये वाला ऑफिस 12 फुट और 10 फुट 5 इंच, ये तो लाइन एक ही है ना, इसलिए 10 फुट 5 इंच ये ज़्यादा हो गया 4.5 इंच वाल की वजह से, ठीक है। ये 9 इंच की वाल है, इसलिए 10 फुट 3 इंच, यहाँ पे 10 फुट 5 इंच, और यहाँ पे ये अंदर एक अटैच बाथ है, और ये यहाँ से किचन है, ये यहाँ से इसको रास्ता किचन का। ये हमने इसकी साइज लिख दिए, ये सारे तरतीब से 5 फुट 3 इंच के, तो एक्चुअली ये साइज़ तो सारे बराबर के हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो डिस्टेंस कम इस वजह से हो गया कि ये 4.5 इंच की वाल है, तो ये आगे जाके मिलेगी, इसलिए इसमें डिस्टेंस चेंजेस है। अदरवाइज ये जो है इसका 5 फुट 3 इंच चारों तरफ है, ठीक है। तो ये लॉबी बन गई, जहाँ पे डोर आ गया, ये डोर इसको किचन का लग गया, यहाँ बाकी ये सारे एरिया ओपन आ गए, ठीक है। इस रूम की हाइट भी 10 फुट है, जहाँ पे इसकी भी 10 फुट, यानी ये सारे की एरिए की 10 फुट है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी हमने ये डिस्टेंस लिख दिया है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो यहाँ से है, लेकिन यहाँ पे कितना है ये कंस्ट्रक्शन में ये ज़रूरी है। ये वर्किंग प्लान में एक्चुअली सारी चीज़ें शो होती हैं कि कितना कितना डिस्टेंस यहाँ छोड़ना है, तो वर्किंग प्लान जो है वो अलहदा से इशू करते हैं। फिर यहाँ से ये वेंटिलेटर आ गया B1, ये इसकी विंडो आ गई, यहाँ से निकले तो हम आगे आ जाता है हमारा ये हॉल, हौजरी का है। हौजरी में छोटी मशीनें होती हैं, सिलाई मशीनें, कपड़ा वगैरह, तो इसलिए ये छोटा हॉल, जहाँ पे 59 फुट 6 इंच इस तरफ को है और 25 फुट इस तरफ को है, वो तो इसको ये हमारी बाहर की लाइन है, इसको ऑफसेट किया यहाँ से 25 फुट पे, तो ये वाल आ जाएगी। इधर से इसको 59 फिट 6 इंचज़ पे ऑफसेट किया इस तरफ से, जहाँ आ जाएगा। अदरवाइज आप जहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ हमने इसका पैसेज छोड़ा 5 फुट का, 5 फिट वाइड, तो इसको ऑफसेट लें 5 फुट का और ये वाल बना दें। इसके बाद ये स्टोर जहाँ पे आ गया, इसका दरवाज़ा इस तरफ है 12 फिट और 25 फुट इस तरफ को, ठीक है। स्टोर है, इस जहाँ पर स्टोर के अंदर ही
यहाँ अटैच वाशरूम है 4x4 का, यहाँ पे वेंटिलेटर आ गया। इसका दरवाज़ा बाहर से है, तो ये विंडो वन आ गई, ये विंडो वन आ गई, जहाँ पे गेट टू। ये विंडोज जो है इसकी नंबरिंग उस लिहाज से होती है कि साइज़ के हिसाब से, कि विंडो वन का एक ही साइज़ है, तो इसलिए जिस साइज़ की ये है उस साइज़ के, ये नहीं है कि इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं करना है, बल्कि साइज़ के लिहाज से अलग अलग करते हैं। जैसे देखें विंडो टू का साइज़ छोटा है इसलिए उसको अलग दिया। तो जहाँ पे वो विंडो आएगी वो सेम साइज़ की जहाँ पे आएगी, ये इनका सेम साइज़ है इसलिए एक ही नंबर इसको लगेगा। फिर आ जाता है कि जहाँ हमने इसका लेवल रूफ हाइट का लेवल हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा स्टाइल है। यहाँ पे 14 फुट हम इसके, ये भी 14 फुट, दोनों छत है। ये रूम्स की यहाँ छत जो 10 फुट पे है, ये भी 10 फुट पे है। तो जहाँ जहाँ कवर्ड एरिया है इसके ऊपर हमने लाइन वेट ज़्यादा कर दिया, और जहाँ छत नहीं है तो उसकी ये देखे बाउंड्री वॉल आ गई, इसको हमने नॉर्मल रखा। ये देखे ये सारी बाउंड्री वॉल है, और जहाँ से हमने डिस्टेंस दे दिया ताकि कैलकुलेशन के लिए कि ओपन एरिया की कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इतना हमने 46 6 इंच इस तरफ का है, और 44 9 इंच इस तरफ का है, और यहाँ पे भी 18 फुट 6 इंच इस तरफ का है, और ये इसका 28 फुट 3 इंच टोटल बन गया। तो ये चीज़ें कैलकुलेशन के लिए डायमेंशन हमने दिए हैं कि इसका एरिया कैलकुलेट कैसे करना है। वैसे तो ये सिंपल है, इसमें एरिया कैलकुलेट हो सकता है, ऑटोकैड से भी आप कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया इसका प्लान। इसके बाद में इसका एलिवेशन ड्रा करेंगे। एलिवेशन में ये देखें कि एलिवेशन में फ्रंट पे हमें एक तो ये नज़र आएगी जहाँ से शुरू हुई, ये कमरा आ गया, ये पिलर आ गया, ये पिलर आ गया, और ये कमरा आ गया गार्ड रूम का। उसके बाद यहाँ पे ये सामने से हमें ये नज़र आएगा हाल, चूँकि ऊँची है 14 फुट की, इसकी जो जो चीज़ ऊपर नज़र आएगी वो देखेंगे, और ये कमरे भी इस बाउंड्री वाल से, बाउंड्री वाल जो 7 फुट की आमतौर पर होती है, तो इसलिए ये कमरे जहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ हम वो नीचे वाली वाल को सीधा ले जाएंगे लाइन, तो ये आ गया ये बाउंड्री वाल के, ठीक है ये आ गया पिलर बन गया। जब इसका गेट बड़ा है तो इसमें ये देखें डबल पिलर, इसके लीफ है, एक ये है एक ये है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा गेट है, इसको लैदा से गेट नहीं बनाया बल्कि गेट के अंदर ही इसको कट करके छोटा गेट दे दिया। तो ये भी स्टाइल है जो कि पहली वीडियो में हमने पहले नहीं बनाया, पहली दफ़ा हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि बड़े गेट को कट करके छोटा गेट इसमें बनाया गया। फिर इसको ये सारी जहाँ पे एंड पे बाउंड्री वॉल आ गई, ये पीछे हाल नज़र आ रहा है, जो कमरे ये कमरे हैं ऑफिस शुरू वाले ऑफिस ये वाले, ठीक है ये इधर से पैसेज जा रहा है, ठीक है तो इसी लाइन में इसको ले गए, तो ये कमरा बन गया। अच्छा पहले ये तो लाइन ऊपर को ले गए, फिर जहाँ से ये लाइन ड्रा करेंगे, ये ग्राउंड लेवल की 2 फुट का ऑफसेट लेंगे तो ये लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद 7 फुट की बाउंड्री है तो ये लाइन ड्रा करेंगे, ऑफसेट देंगे तो ये आ जाएंगे। फिर जहाँ रैंप बना देंगे, और ये डोर जो भी अच्छे स्टाइल में आप बनाना चाहते हैं, सब फैक्ट्री के डोर सादा ही होते हैं इसलिए हम सादा बनाते हैं। ठीक है नेक्स्ट आ जाता है इसका, ये कमरे आ गए, ये चूँकि 10 फुट पे है इसलिए इसको 10 फुट का ऑफसेट देंगे तो ये लाइन आ जाएगी, और ये रूफ स्लैब है हमेशा, चूँकि रूफ स्लैब सामने नज़र नहीं आती इसलिए इसको डॉटेड शो करते हैं। पैरापेट जो सॉलिड होती है जो कि वो टॉप उसका नज़र आता है। ये हो गया ऑफिस का। फिर ये चूँकि हॉल बड़ा है 14 फुट का, तो इनके ऊपर भी आपको नज़र आएगा, और ये सामने पिलर जो है, ये देखिए विंडो के साथ पिलर हैं ये। अच्छा यहाँ पे ये देखें कि ये पिलर हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन विंडो कोई नज़र नहीं, क्योंकि विंडो भी 7 फुट तक की होती है, तो इसलिए विंडो सारी नीचे रह इसके बराबर रह जाती है, वो ऊपर नज़र नहीं आएंगी। ठीक है लेकिन पिलर चूँकि ऊपर तक जा रहे हैं तो पिलर हम बना देंगे। अच्छा इसके बाद 14 फुट पे इसकी छत है, तो 14 फुट ऑफसेट देंगे, तो ऊपर प्रीकास्ट गिल्डर स्लैब है वो 1.5 फुट की तकरीबन है। ठीक है पहले गिल्डर डालेंगे, 1.5 फुट के ऊपर स्लैब डालेंगे, 4 4 फुट की स्लैब होती है आरसीसी की, वो भी प्रीकास्ट होती है, और ऊपर जो है वाटर प्रूफिंग के बाद पैरापेट बन जाएगी साथ में, सारी 1 फुट की वो हो जाएगी। तो जहाँ पे भी क्योंकि सामने जो प्रीकास्ट गिल्डर स्लैब नज़र नहीं आती तो इसको भी हम डॉटेड शो कर देंगे, तो ये सारा एरिया डॉटेड हो जाएगा। बाकी इसकी डायमेंशन दें जहाँ पे इस तरफ ही जो डायमेंशन ज़रूरी है वो दें। ठीक है तो गाइस ये तो हो गया हमारे आज का हौजरी का प्लान एंड एलिवेशन।
साइज इसका 79 फिट बाई 73 फिट। उम्मीद है आपको हमारा ये प्लान और एलिवेशन पसंद आई होगी। खास तौर पे ये देखें, इसका ऑफिस का स्टाइल है कितना प्यारा है, और ये गार्ड रूम है, तो इसको जब देखेंगे तो इसकी लुक बहुत खूबसूरत होगी। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे। हमारी इसे अगली वीडियो में इसी के साथ इसकी सबमिशन होगी, जिसमें इसका सेक्शन और बाकी चीज़ें मुकम्मल करें। तो आप हमारे साथ अटैच रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।